हेलो एवरीवन, स्पिरिचुअल ओम शेयर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जिम अटैक, कार्मिक ट्रिगर्स, पास्ट लाइफ ट्रिगर्स, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। इस जर्नी में जो भी इस जर्नी में है, स्पिरिचुअल एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनको इस बारे में हाई अवेयरनेस होनी चाहिए, नहीं तो आप बहुत बार इस जर्नी में लो में चले जाते हो। सो ड्रीम अटैक एक ऐसा होता है, लाइक कोई पर्सन है, आपके कोई रिलेटिव है, कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी है, कोई फ्रेंड या कोई भी है जिनसे आपका बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा सामने शो, बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन ड्रीम में आके कुछ ऐसी हरकत करेंगे या कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे, ऐसी बोलेंगे जो उनके अंदर चल रहा होता है। एक्चुअली वो स्वीट दिखाते हैं सामने इस लाइफ में, लेकिन वो स्वीट नहीं होते, अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रहे होते हैं और या फिर आपके लिए कुछ गलत भावना रख रहे होते हैं, तो वो आपको ड्रीम में दिखता है। तो ड्रीम अटैक ऐसा नहीं होता कि नॉर्मली आपने उनके बारे में देखा और भूल गया कि ये तो जस्ट एक ड्रीम था, यू नो। आप ये ड्रीम देखने के बाद अब 24/7 वो माइंड में आपका चलेगा, लाइक आप फॉरगिव नहीं कर पाते हो, इतनी हाई लेवल पे एक्चुअली हाई नेगेटिव एनर्जी होती है ये। और कार्मिक अटैक और पास्ट लाइफ ट्रिगर्स, ये तो आपको पता ही है कि ये जब होता है तो लोग लाइक कैसे अपने लाइफ में एक फील करते हैं, यू नो। तो इसके बारे में आज मैं बात करती हूँ। सो जब भी ये होता है आपके ऊपर, तो आप बहुत लाइक बहुत आप एक बहुत लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में चले जाते हो। और तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी ऐसा कुछ होता है, ड्रीम अटैक या पास्ट लाइफ ट्रिगर्स या फिर कार्मिक ट्रिगर्स, तो ऐसी जगह पे आपको उस पर्सन से अपना कोड कट करना है और जो भी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस है वो करना है कोड कट करके, और जस्ट लाइक अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको कभी भी हेटेड की एनर्जी में नहीं आना, और जो भी आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसमें आपको लो नहीं जाना, लाइक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और हाई में रखना है और करना करते रहना है, तो आप भी लो में नहीं जाएंगे। और जिस यूनिवर्स की एनर्जी से हमेशा आप रहें, अपने आप को लव एनर्जी में रखें। जब भी आप हेटेड में जाते हो, आप बहुत लो में चले जाते हो, तो कभी भी आपको हेटेड में नहीं जाना, या कभी भी उस एनर्जी से जो अटैक हुआ है उसको अपने अंदर नहीं आने देना होता, नहीं तो आप बहुत बहुत लो हो जाते हो। सो ये है, जब भी आपको ऐसा आप एक्सपीरियंस करते हो, तो अपने ऑरा को लॉक करें, उस पर्सन से अपना खोद कट करें, और जो भी फॉरगिवनेस है वो क्लियर करें, जो भी पास्ट लाइफ का होता है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, या कोई भी पर्सन कर रहा होता है। एक्चुअली जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में, वो मैं आपको यहाँ शेयर कर रही हूँ, इससे बहुत सारे लोगों की मदद मिली है। तो आप वहाँ पर खोद कट करें, अपने ऑरा प्रोटेक्ट करें, और वहाँ पर आप यूनिवर्स की एनर्जी से अपने आप को भर दें, यूनिवर्स को पूरी चार्ज दें, तो आप ईजिली इससे बाहर निकल जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, होप ये वीडियो आपको मेरा बहुत हेल्प करेगा इस जर्नी में आगे, जो भी इस जर्नी में है। सो गॉड ब्लेस यू गाइस, लव यू ऑल।